हेलो दोस्तों, आज फिर एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। आज बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। सो आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ UPS। अब ये बेसिकली UPS क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि UPS, ये जो वर्ड मैंने लिखा है UPS, सो इट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ, एक शॉर्ट फॉर्म है किसका, अनइंटररप्टेड पावर सप्लाई। ओके, सो ये इसका फुल फॉर्म है, अनइंटररप्टेड पावर सप्लाई। सो ये अगर आप देखोगे UPS, ये एक पर्टिकुलर डिवाइस होता है, इनमें हम बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन UPS, ऑफलाइन UPS और कई ऐसे टाइप्स होते हैं। सो बेसिकली ये UPS करता क्या है। ओके, सो जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। सपोज़ यहाँ पे हमारा एक सिस्टम है। ओके, ये हमारा एक सिस्टम है। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर सिस्टम में हमें इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए और यहाँ पे, सॉरी, एक सिस्टम है, देन यहाँ पे हमारा लोड कनेक्टेड है, मतलब इलेक्ट्रिकल जिसे पावर हम सप्लाई करेंगे या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी जो भी कंज्यूम करेंगे वो लोड है, और यहाँ पे हमारा एक इनपुट है या फिर सप्लाई है। ठीक है, तो सप्लाई हमारा कौन से भी कंपनी का होता है, मतलब MSEB होता है, देन अदानी, टाटा, कौन सी भी सप्लाई एजेंसी होती है यहाँ पे। ओके, सो लेट अस अज्यूम कि हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हर एक कंपनी में क्या होता है, एक सर्वर रूम होता है। सो सर्वर रूम में क्या होता है कि आप जो भी उस कंपनी में वर्क कर रहे हो, मतलब जो भी काम आप कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हो, सो उसका हर एक डेटा उस सर्वर रूम में सेव रहता है। ओके, सो इन केस अगर ये जो सप्लाई वगैरह है आपका, ये इनपुट सप्लाई, ठीक है, वो अगर फेल होता है, वो ये क्या होता है, फेल होता है, मतलब पावर चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, किसकी, जो अदानी या फिर MSEB या फिर टाटा के थ्रू जो आती है, BEST के थ्रू जो आती है, वो अगर चली जाती है तो क्या होता है, उस सर्वर रूम में हमारा क्या होता है, जो भी डाटा सेव हो रहा है वो सडनली क्या हो जाता है, लॉस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ डाटा। ओके, सो अगर ये हमारा डाटा, हम कंप्यूटर के थ्रू जो भी काम कर रहे हैं, वो हमारा डेटा अगर लॉस होता है तो हम उसे नो रिस्टोर, मतलब रिस्टोर भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, सप्लाई चला गया है। ठीक है, तो उसकी वजह से हर एक कंपनी में ज़रूरी होता है कि वहाँ पे UPS करके जो डिवाइस रहेगा उसे इंस्टॉल कर दे। ओके, सो ये UPS वाला क्या करता है, इसका फुल फॉर्म ही है अनइंटररप्टेड पावर सप्लाई, मतलब इनकेस अगर ये मेन सप्लाई ऑफ भी होता है या फिर फेल भी होता है, तो ये UPS का सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे हमने UPS ये कनेक्ट कर दिया, UPS, तो वो क्या करेगा अपने थ्रू, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ पे बैटरी रहेगी, यहाँ पे बैटरी करके एक सेक्शन रहेगा, बैटरी, ठीक है, बैटरी, तो ये बैटरी के थ्रू बैकअप लेके क्या करेगा, ये पूरा उस पर्टिकुलर लोड को कंटिन्यू चालू रखेगा। ठीक है, इन केस अगर हमारा मेन सप्लाई ऑफ भी होता है तो। ओके, सो ये UPS का काम यही होता है कि इन केस अगर मेन सप्लाई चला जाए तो भी उस सर्वर रूम में जो भी डाटा सेव हो रहा है उसे रिस्टोर कर दे, रिकवर कर दे, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यू वहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू वहाँ पे चालू रहे। ठीक है, तो यही बेसिक वर्क होता है अनइंटररप्टेड पावर सप्लाई का, और इसीलिए यह हर एक कंपनी में इंस्टॉल किया जाता है डिवाइस UPS। ओके, सो आज हम, अभी इसके बाद हम देखते हैं कि उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ UPS, मतलब UPS में कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये UPS का ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, सो इसमें जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कंपोनेंट, दैट इज़ रेक्टिफायर, ये है इन्वर्टर,
स्टैटिक स्विच, मेंटेनेंस स्विच, ये आउटपुट है दैट इज़ लोड, और यहाँ पे आपका सप्लाई मेन, ठीक है। देन यहाँ पे बैटरी है, ठीक है। देन यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इनपुट की थ्रू ही वहाँ से आपका स्टैटिक स्विच एक कनेक्शन है वहाँ पे, और ये डायरेक्टली स्टैटिक स्विच को गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक कनेक्शन है जो कि मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए हमने यूज़ किया है, ठीक है। देन ये बैटरी, सो हर एक रेक्टिफायर होने दो, इन्वर्टर होने दो, स्टैटिक स्विच होने दो, मेंटेनेंस स्विच, ये हर एक का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें बैटरी कैसे वर्क करेगा, इसमें इन्वर्टर का क्या रोल है, रेक्टिफायर का क्या रोल है, और ये UPS बेसिकली कैसे वर्क करता है, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा, ठीक है। तो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।